यारो ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चलने से पहले ही अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया था। लेकिन यारो आपको हैरानी होगी कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जो ये नजरिया रखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ने से तो बच गए थे मगर उन्हें आसमान पर भी नहीं उठाया गया था, बल्कि वो तो वहां से छुपकर निकलने में कामयाब हो गए थे। एक्चुअली सीधे तौर पर इस ग्रुप के लोगों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान यानी भारत में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने ना सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी भारत के कश्मीर में गुजारी बल्कि वहीं पर उनकी वफात भी हो गई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये नजरिया रखने वाला ग्रुप कोई और नहीं बल्कि अहमदिया मुस्लिम है, जिसे कादियानियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं और उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप अहमदिया मुस्लिम भी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि मुसलमानों के लगभग सभी ग्रुप्स अहमदिया मुस्लिम को इस्लाम से खारिज मानते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि ये लोग पैगंबर इस्लाम को आखिरी नबी नहीं मानते हैं। वैसे इस ग्रुप के बारे में आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।